हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग CUCET 2020 दैट इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2020 उससे रिलेटेड कुछ बातें डिस्कस करेंगे। ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है ये 14 सेंट्रल यूनिवर्सिटी और 4 स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम है, ठीक है। स्टेट यूनिवर्सिटी का मतलब है ये यूनिवर्सिटी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में है और बाकी जो 14 यूनिवर्सिटी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, ठीक है। अच्छा, जो ये एग्ज़ाम है ये एग्ज़ाम MCQ पैटर्न पे होगा, ठीक है, और इस पर 100 क्वेश्चंस होंगे। 100 क्वेश्चंस में आपके दो पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है। जो पार्ट ए है उसमें आपका लैंग्वेज, ठीक है, जनरल अवेयरनेस और मैथ्स एप्टीट्यूड, इसके ऊपर आपके 25 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। पार्ट बी जो है इसमें आपके 75 क्वेश्चंस होंगे और ये जो 75 क्वेश्चंस होंगे ये भी आपके 4 अलग अलग सेक्शंस में है, 25 क्वेश्चन हर सेक्शन में है, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी का है, 25 25 25 क्वेश्चंस, और इनमें से कोई 3 आपको सेक्शंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। और ये आपको ध्यान में रखना है कि जैसे आपका अगर हायर सेकेंडरी में मतलब क्लास 12 में आपका बायोलॉजी है मगर आप मैथ्स नहीं है और आप यहाँ पे आप मैथ्स अपेयर नहीं हो सकते हैं, ठीक है, थीके? तो हाई सेकेंडरी में जो सब्जेक्ट्स थे उसके ऊपर ही आप ये सेक्शन अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्ज़ाम के बारे में। और एग्ज़ाम में जो आपके क्वेश्चन आएंगे उसमें आपका अगेन वो निगेटिव मार्किंग भी होगा, मतलब +1 और -0.25, मतलब 1/4 मार्क्स आपके कटेंगे अगर आप कोई गलत आंसर मार्क करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो क्वेश्चन पेपर जो किस हिसाब से होगा, सिलेक्शन टेस्ट किस बेसिस पे होगा, ठीक है। अच्छा, अब जानकारी लेते हैं कि यहाँ पे कोर्सेज क्या क्या अवेलेबल हैं। कोर्सेज आपके बीटेक कोर्स जो है इंजीनियरिंग कोर्स, या आपका CSE कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग, ये 4 इंजीनियरिंग के बीटेक कोर्सेज ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा में अवेलेबल है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी कर्नाटका में है, ठीक है। अब इसके बाद जो इंटीग्रेटेड BSc MSc कोर्स जो है ये आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू में आपका बॉटनी, जुआलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर में फिजिक्स, मैथ्स, जुआलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी उड़ीसा में इंटीग्रेटेड MSc मैथ्स है, ठीक है। इंटीग्रेटेड MSc कोर्स आपका जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान है यहाँ पे आपके काफ़ी कोर्सेज अवेलेबल है, बायोकेमिस्ट्री है, बायोटेक है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, एनवायरमेंटल साइंस है, मैथ्स है, माइक्रोबायोलॉजी है, फिजिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, इकोनॉमिक्स है और लिंग्विस्टिक्स है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी तमिलनाडु जो है वहाँ पे आपका MSc इंटीग्रेटेड MSc कोर्स केमिस्ट्री, लाइफ साइंस और फिजिक्स में अवेलेबल है। फॉर स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो BCA जो कोर्स है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी उड़ीसा में अवेलेबल है। और इंटीग्रेटेड MCA कोर्स मतलब BCA MCA इंटीग्रेटेड कोर्स, ये आपका बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी जो है ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, इस ये कोर्स ऑफर करती है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही आपका BSc कोर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है, ये आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी तमिलनाडु में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, BSc इन केमिस्ट्री, BSc इन फिजिक्स, BSc इन मैथ्स अवेलेबल है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश में आपका BSc ऑनर्स इकोनॉमिक्स अवेलेबल है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कर्नाटका जो है वहाँ पे आपका BSc साइकोलॉजी, BSc ज्योग्राफी और BSc जियोलॉजी अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और एक इंटरेस्टिंग कोर्स है BA इन सिक्योरिटी मैनेजमेंट, ये जो कोर्स है ये आपका सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस, ये जो यूनिवर्सिटी है जोधपुर में है ये यूनिवर्सिटी यहाँ पे ये कोर्स ऑफर करती है BA इन सिक्योरिटी मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये हो गया आपके कोर्सेज का इन्फॉर्मेशन, ठीक है। क्वेश्चन किस पैटर्न का आएगा ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ठीक है। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने का वो है 11 अप्रैल और आपका जो एडमिट कार्ड वो अवेलेबल होगा वो 11 मई से अवेलेबल होगा। एग्ज़ाम डेट जो है वो आपका 30 और 31 मई में है, रिजल्ट आपका 26 जून को निकलेगा, ठीक है। जो ये एग्ज़ाम है ये आपका ये जो एग्ज़ाम है MCQ पैटर्न का वो आपका ऑफलाइन मोड में होगा, आपको OMR शीट पे क्वेश्चंस बबल करने पड़ेंगे, ठीक है। जो आपने OMR शीट में पहले भी प्रैक्टिस किया होगा, ठीक है, तो वैसे OMR शीट में आपको बबल करना पड़ेगा, ठीक है। ये ऑफलाइन मोड में ही एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। सो ये थी जानकारी इस एग्ज़ाम से रिलेटेड। होप दिस बेनिफिट्स यू। माय बेस्ट विशेस, गुड लक।